और सरकार 1 अगस्त से अनलॉक 3 लागू करने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अनलॉक 3 में कुछ और ज्यादा ढील दी जाएगी, लेकिन अभी भी सब कुछ नहीं खोला जाएगा क्योंकि कोरोना अभी अपना विकराल रूप दिखा रहा है। सूत्रों की माने तो अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे, मेट्रो ट्रेन की सेवाएं भी अभी शुरू नहीं की जाएंगी। देशव्यापी लॉकडाउन को खत्म हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं और स्थिति ये है कि कोरोना संक्रमण की वजह से कई राज्यों को दोबारा लॉकडाउन करना पड़ा। बिहार और मध्य प्रदेश में भी दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब स्कूल, कॉलेज, जिम और मेट्रो अभी खुल सकते हैं? अधिकारियों और जानकारों की माने तो यह अभी काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। कोरोना के मामले अभी कम होने का नाम नहीं ले रहे, हालांकि रिकवरी रेट बढ़कर 63.92% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी बाकी राज्यों की तुलना में काफी कम है। इस संबंध में शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि मेट्रो सेवाएं भी अभी शुरू नहीं हो सकती। मार्च में ही कोरोना की वजह से सभी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस संबंध में राज्यों को सलाह मशविरा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर राज्य अभी स्कूल कॉलेज ओपन करने की बात पर सहमत नहीं है। इस संबंध में हुई मीटिंग में शीर्ष अधिकारियों ने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की। जून में HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने बताया था कि स्कूल कॉलेज खोलने के विषय में अभिभावकों से अभी बात की जाएगी। अभिभावक कोरोना को लेकर काफी डरे हुए हैं और ज्यादातर लोग अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगले सप्ताह में स्कूल कॉलेज खोलने के बारे में कोई भी फैसला लेना असंभव दिखाई दे रहा है। मंत्रालय ने केंद्र को यह जानकारी भी दी है कि बहुत सारे पेरेंट्स अभी स्कूल कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि स्कूल और कॉलेज तभी खुलने चाहिए जब वैक्सीन बन जाए।